स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम टीचर। स्टेट लेवल जूम लाइव क्लास, ठीक है? आप सबका वेलकम है इस क्लास में। आप बिल्कुल तवज्जो से सुनिए और जवाब दीजिए। आज आपके दिमाग का एक टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप जिसको माइक जिसका माइक म्यूट है वो बच्चे ना ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है बेटे? एडेड एंड अनएडेड प्राइमरी स्कूल, ऑनरेबल महेश पालकर सर ईओ, रिस्पेक्टेड शेख इकबाल सर बीओ, प्रेजेंट बाय खान तरन्नुम रहमत, अवर सियानो इन जावेद सर, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आपको ये स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है बच्चों? जवाब दीजिए। ऊंट। ऊंट। क्या ऊंट इस तरह होता है? ऊंट। 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 ऊंट है मी। इस तरह होता है? तस्वीर में दिखता है इस तरह से ऊंट होता है क्या? जवाब दीजिए। मिस ऊंट है। हाँ, ऊँट है, आपको समझ में आ गया चिंता। लेकिन ऊँट क्या इस तरह से होता है क्या? ये सही सीक्वेंस में है, तरतीब पर है, सही से है ये सब चीजें? अगड़ा मगड़ा में सही से नहीं है, अगड़ा मगड़ा में सब अगड़ा मगड़ा में टीचर अलग अलग अगड़ा मगड़ा में सब देख पहचान देखिए है ना, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे, तरकीब से लगाएंगे, बमायनी एक अच्छी सी तस्वीर बना दीजिए इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तस्वीर में कौन सा हिस्सा लेंगे? बोलिए कोई बोलेगा। सबसे पहले हम चेहरे का जो हिस्सा दिखा ना, जो ऊंट का चेहरा है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर है ना, कंपल हो गया है इसका एक चालू करेंगे आप काटते उसके बाद हम उसके पेट का और पीठ का हिस्सा लगाएंगे, यानी यहाँ पे आगे चेहरे के आगे आपको नजर आ रहा है? हमने तस्वीर जो है उसके जो हिस्से थे टुकड़े अलग अलग वो लगाएंगे। अब आगे ये हो गया, आधा वक्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, हुआ है? आयशा जैनब नजर आ रहा है आप लोग को बच्चों? यस टीचर नजर आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। आप देखिए यस टीचर नजर आ रहा है। आप लोग खेलते पजल्स के? पजल गेम खेलते हो?
हां टीचर हां तो आज हम लोग पजल की ही तरह है ठीक है अब देखिए ये जो पहली तस्वीर थी वो सही थी या अभी जो तस्वीर है वो सही है अभी जो तस्वीर है वो सही है दूसरी वाली तस्वीर है दूसरी वाली तस्वीर सही है दूसरी वाली तरीके से लगाएंगे तो इसी तरह से सही है सही आपका दिमाग कितना एक्टिव है आप तो सीखते हो आपको कितना सुपर क्या पता है प्रश्न सोलू नाका शुरुआत नेम ही करती हूँ असे यानी शुरुआत जो है पर हमारी कोशिश है जो है वो कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए शुरुआत जो होती है वो हमेशा मुश्किल होती है तो ये हमारे लेसन पे ही मबनी एक अपवाद है विषय है आज का हमारा मराठी पाठ है अर्थपूर्ण शब्द यानी आपको बमानी शब्द बनाना है अल्फाज बनाना है जिसका कुछ अर्थ हो मीनिंग हो ठीक है अच्छा अभी आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है ना क्या है उसे बच्चा पढ़ के बताएगा हमको आपको पता है कि कौन सा शब्द है जिसको हम तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके कुछ एक नया शब्द बनाएंगे आपका दिमाग स्कूल शाड़ा कहना था शाड़ा आपको लिखे शाड़ा आएगा नहीं इन दो शब्दाचा ए दोन शब्द कशा बनवणार एडका 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 बघितला का तुम्ही
तुम्ही कधी पण आम्ही आपण पहिली मध्ये दुसरी मध्ये तिसरी मध्ये आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं तस्वीर आपको बताते हैं दिखाई दे रहा है ऐसा होता है नहीं दिखाई दे रहा है टीचर हामी हामी दिखाई दिया है हम किस तरह से लिखेंगे पहले कौन सा अक्षर हम लिखेंगे पहले पहले सबसे पहले ए आएगा ए बी ए आएगा फिर ग कनका ए आएगा फिर ग आएगा फिर का आएगा लास्ट में का ऐसा है लिनार अपन आता पुढे बघूया हां मी एडका एका आहे कोण वाचणार आहे पहले काय लिहणार आपण द नंतर हे झालं डमरू वाजवलं का डमरू वाजवले वा हे काय दिसते तुम्हाला पतंग कौन कौन पतंग उड़ाता है आप लोग में से कौन कौन पतंग उड़ाता है उड़ाते हैं आप लोग अरे उड़ाते हैं उड़ाते बॉयज में भी नहीं बॉयज लोग उड़ाते अच्छा चलिए अब पतंग में पहला जो अक्षर है वो कौन सा आएगा आएगा पा त्याच्या पुढे आपण पोटप म्हणजे काय हे अजून शब्द आहे का पोटप पोपट 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 बघितलं तुम्ही पोपट आहे मिस हा तुम्ही बघितलं का पोपट पोपट आप लोग ने पोपट देखे अच्छा किसे खेलते हैं पोपट वेरी गुड आपण काय लिहिणार पहिले असं असते पोपट असते ना असा कोण कोणाच्या घरी पोपट आहे कोणाच्या घरी आहे का पोपट पोपट
हम लोग के पास था वो भी जब पिंजरा खोल दिए तो हाँ चलिए आगे ये कहाँ आए काशू हे कोणी शब्द बनेलाय का नाही ना कापूस आपण काय लिहिणार क काना काय झालं आता ते कापूस कापूस कसं असते कापूस जे आहे कसं असते नरम नरम अजून नरम नरम असते ना त्याच्याकडे कसं असते बघितलं तुम्ही कापूस येस मिस त्याचा कलर कसा असते ते सांगा ना मला तुम्ही व्हाईट मध्ये काय म्हणते आपण तिला पांढरा पांढरा काय म्हणते पांढरा पांढरा असं असते ना नंतर त्याच्या पुढे आपण बघूया वो हे काय झालं अल्फाज बन गया है दिवाळी हा तिथे ल लिहिलेला नाही आहे ना मग दिवाळी कसा बोलले तुम्ही काय येणार दिवाळी काय ना दिवाळी दिवाळी लिहिण्यासाठी काय लिहिणार आहे कोणसा अक्षर लिहिणार आहे पहिले नंतर हा एक मिनिट बेटा एक मिनिट चे पुढे काय येणार नाही रॉंग वा काना तलवार दिसली का येस मी शिवाजी महाराज भी लेते तलवार आप लोग बहुत पढ़े हो अभी उसके बारे में है ना तलवार के बारे में शिवाजी महाराज के समझ में है ना चलिए आगे हे काय लिहिलेला आहे इंसान की लड़ाई कबूतर कबूतर त्याच्या पुढे कबूतर 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 तुमच्या घरी आहे का कबूतर आपल्या गाव थे कबूतर पहिले
है अब क्या हो गए उड़ गए हाँ अच्छा अच्छा ऐसे होते हैं ना आप लोग ने देखे हो यस अच्छा चलिए अब आगे ये क्या लीले लाए गा 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 आ कड़ी काय झालं हे गा गाडी तुम्ही कविता पण वाचली आहे मराठी मध्ये याची आ गाडी आ गाडी आ गाडी आ ग गाडी आ गाडी गाडी हम लोग इसको बाइक करते हैं हां तुम्ही बसते का गाडी मध्ये आ गाडी मध्ये यस यस हां बसते आम्ही बसते हे काय लिहिलेलं आहे प ह रा ह र जी जी आता काय बनणार हे हे अक्षर जोडून जोडून एक जिराफ 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 काय लिहिलं ते जिराफ जी जिराफ रा जिराफ कसा असते जिराफ कसा ओळखतो तुम्ही लंबी होती लंबी असते मान म्हणजे गर्दन गर्दन लंबी होती आता तुमच्या मूल्यमापन म्हणजे तुम्ही जे अभ्यास केला तुम्हाला काय त्याचा आपण मूल्यमापन करा यानी हम उसकी मश करेंगे ठीक है चलिए काय दिसते तुम्हाला फणस फणस इथे येते का तुम्हाला फणस कसा लिहिते मराठी मध्ये फणस फणस असा लिहिते का नो मी नो असा लिहिते यस असा लिहिते बीच मी वाला लिहिते बीच वाला हां जे मध्ये आहे तसा लिहिते ना आपण आता पुढे बघूया हे काय तबला बतला त्याच्या पुढे लातब लातब तबला तबला कौन सा शब्द जे आहे सही लास्ट वाला लास्ट वाला काय आहे वाचा तिला तबला तबला असा असते ना तबला येस मी हे सही आहे त्याला आपण काय करणार सर्कल करणार सर्कल करणार असा दिसला तुम्हाला हा येस मी चला बघूया आपण तबला मांजर 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 म्हणजे काय बिल्ली बिल्ली दुसरा एकदम खालसा मधला वरचा खालसा तिसरा अशी असते मांजर बघितले तुम्ही येस मी आता पुढे बघूया आपण 28 काय होणार लवकर लवकर तुम्ही वाचा आणि शब्द बनवा अनानस अनानस कोणता आहे ना पहिला दुसरा तिसरा तिसरा दुसरा तिसरा चला आता पुढे सांगा कोण वाचणार हे चला आता पुढे कोणचं सही है तब
लौकर सांगा चला आम्ही तुम्हाला हिंट देते चला लवकर लवकर सांगा आता काय म्हणतात आपण याला काय म्हणतात सांगा कठीण आहे ना हे वाचले तुम्ही खूपदा वाचले हे बीच वाला पहिला दुसरा तिसरा तिसरा वरचा खालचा तिसरा तिसरा चला गुड व्हेरी गुड तिसरा आता हे बघा तुम्ही हा मची नी मची चिमणी 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 पहिला चिमणी चिमणी आहे पण चिमणी म्हणजे काय होते माहिती आहे तुम्हाला चिडिया चिडिया अशी असते ना यस मी चिमणी आता धबधबा जो शब्द धबधबा बघा तुम्ही याला धबधबा म्हणतात याला जे आहे धबधबा म्हणतात हम क्या बोलते से झरना धबधबा अजून सांगा जैना बोलते सगळे हा उत्तर जैना भी देत आहे साबिरा अजून तुमचं नाही चला आपण उत्तर बघूया बघितला तुम्ही धबाधब मिरची साठी एक नवीन सामग्री आहे ठीक आहे हे तुम्हाला लिंक दिसते हे लिंक मी तुम्हाला चॅट बॉक्स वर पाठवते ठीक आहे तुम्ही उत्तरे सोडवा वाचून वाचून उत्तरे सोडवा मी तुम्हाला चॅट बॉक्स वर हे लिंक पाठवते हम आपको ये लिंक चॅट बॉक्स में दे रहे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है ठीक है और फिर सबमिट कर देना है ओके Yes, miss. एक मिनट वेट करिए आप सेंड कर रहे हैं आपको ओके मिस भेज रहे हैं ये पूरी फॉर्म ठीक है मिस अभी का ना हां भेज रहे बेटे हम भेज रहे देखिए आ गई आ गया मिस आ गया आ गया तो ये आ गया मम्मी आ गया जी जी रुकिए आप अब आपको घर काम भी तो करना है ना ये तो आपकी कद पैमाई होगी अभी आपको करना है लेकिन अभी करोगे बाद में कीजिए और देखिए अभी करने के बाद में हाँ बोलिए बेटा यहाँ पे क्या करने का जब ये खुल रहा है तो उसमें आपका नाम लिखना है आपकी स्कूल का नाम लिखना है आपकी सिटी का नाम लिखना है रिक्वेस्ट ठीक है एडिट एसेस में बोलिए बेटे जो दो यहाँ पे नेक्स्ट भी है रिक्वेस्ट एडिट एसेस भी है नेक्स्ट कीजिए अगर आप ईमेल आईडी में डाल रहे हो तो आप नेक्स्ट कीजिए हाँ एक काम कीजिए पहले आप ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ले लिए मी वेरी गुड ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लेने का क्या करना है कुछ पता चला स्क्रीनशॉट ले लिए आपका ये घर काम है तुमचा हे गृह पाठ है तुम्हाला काय करायचं आहे माहित आहे का आपको क्या करना है पता है इसमें से इस चार्ट में से आपको फलों के नाम ढूंढना है जैसा एक हमने ढूंढे है आपको बताते मैं एक एग्जांपल कैसे
दिखाई दे रहा है आपको? जेमी सर्कल के लिए आए तिला वाचा तुम्ही पिकू हाँ तो असे तुम्हाला त्या मध्ये खूप फळांचे नाव दिलेले आहे तुम्हाला ते सर्कल करायचे आहे ठीक आहे आता तुम्ही मी तुम्हाला जो लिंक पाठवली आहे ते सोडवा तुम्ही आपको जो लिंक हमने भेजे हैं आप उसे हल कीजिए ठीक है उसमें 10 सवाल आते हैं ऑप्शन में से नेक्स्ट में कर दिए नेक्स्ट पे कर दो जी जी यस मिस अम्मी इसको मेरे को ये करने है तो मैं किससे जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं सब बच्चों को करना है जिनको बोलने का मौका मिला है टीचर अभी करना है काम करना है करिए बेटे एक छोटी सी हमने कोशिश की है आपके लिए अभी करना है यहाँ करिए कर सकते हैं तो आप सर हमारा लेसन यहाँ खत्म होता है ओके नाम छोड़ दिख रहा है क्या है चित्र